स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि हमारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई है? नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर में गुड्स एंड असेट जिसमें 7 टर्मिनोलॉजी, सेकेंड लेक्चर जिसमें हमने डेटर क्रेडिटर जिसमें 4 टर्मिनोलॉजी, थर्ड लेक्चर जिसमें हमने बात करी थी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर लॉस असेट इन्वेस्टमेंट जिसमें 15 टर्मिनोलॉजी, और रिसेंट टॉपिक लेक्चर नंबर 4 जिसमें इनकम एंड गेन 2 टर्मिनोलॉजी। इस तरह से टोटल 28 टर्मिनोलॉजी कंप्लीट करी है, पर अभी सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि जो टर्मिनोलॉजी पेंडिंग है उन टर्मिनोलॉजी के लिए हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी का कि जो बेसिक डेफिनेशन है उन डेफिनेशन का अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है, अगर उसे हमें प्रॉपर वे में समझना है, तो उसके लिए पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, इसे एक एग्जांपल की तरह समझने का ट्राई करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले अल्फाबेट्स ए से लेके जेड सीखेंगे, ठीक। मतलब सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर हमें अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, उसकी ABCD पता होना चाहिए। पर क्या सिर्फ अल्फाबेट पता होने से आप इंग्लिश के सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो? क्या लिखना और पढ़ना आ सकता है? नहीं। इंग्लिश को अगर लिखना है और पढ़ना है तो इसके लिए हमें सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, दैट मींस हमें ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर हमें अल्फाबेट से अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो उसके बीच में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मेथड है, उन मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते। सिमिलर अगर हमें अकाउंट, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और अकाउंट्स का हमारा जो क्लास 11 का बेस है उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। मतलब हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब एक बिजनेस अपने बिजनेस में वेरियस ट्रांजेक्शन करता है, ट्रांजेक्शन को आज ही के लेक्चर में आगे जाके डिटेल में समझेंगे, पर अभी सिंपल सी बात, जब गुड्स को खरीदना गुड्स को बेचना या इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को जब बिजनेस की बुक में इनिशियली रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स बुक कीपिंग को अप्लाई करना है। तो बुक कीपिंग अभी तक हमने सिर्फ उसके अल्फाबेट ABCD समझी, अब उसे लिखना है बुक में। तो जब हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग करने आएंगे तो बुक कीपिंग करने से पहले, पॉइंट को नोटिस करना, बुक कीपिंग से पहले हमें कुछ रूल्स, कुछ मेथड, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एजम्पशंस पता होने चाहिए, और अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उन्हीं मेथड उन्हीं रूल्स प्रिंसिपल को यहां पर समझेंगे। जब तक हमें इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा हम हमारी बुक कीपिंग प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। चलिए फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनिशियल स्टेज पर जब बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होना है, बुक कीपिंग स्टार्ट करना है बुक कीपिंग का, जैसे कि अभी हमने एक बहुत शॉर्ट में मीनिंग देखा कि सर जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में इनिशियली रिकॉग्नाइज करना, रिकॉर्ड करना, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। अब बात यहां पर यह आई, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेटा। अब ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन्स क्या होता है पहले इस टर्म को समझते हैं। चलिए पहले ट्रांजेक्शन वर्ड को समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या। ट्रांजेक्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जब एक पर्सन किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पर्सन, मतलब एक पर्सन जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन। हम यहां पर अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, तो बेटा इस ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस के सेंस में ही समझना होगा।
अब ट्रांजेक्शन वर्ड का मतलब यहां पर सिंपल वे में अकाउंट के लिए, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस का ओनर या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक, उस बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करे वो ट्रांजेक्शन। सिंपल वे में हमने पहले तो ट्रांजेक्शन वर्ड का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग देखा कि जब एक पर्सन किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है दैट मीन्स वो एक्टिविटी एक ट्रांजेक्शन है। क्लियर। फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए अगर बात करें तो एक बिजनेस का ऑनर या बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। होप सो यहां तक की बातें समझ में आई। एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस के ओनर ने सबसे पहले अपने बिजनेस में दिन की शुरुआत यहां से करते, बिजनेस में आया उसने भगवान को दो अगरबत्ती लगाई, ये भी एक एक्टिविटी है क्योंकि ओनर बिजनेस में आकर बिजनेस के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को बेटर बना रहा है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद उस बिजनेस के ओनर ने बिजनेस की आज पूरे डे में क्या क्या वर्किंग होनी है उसका ड्राफ्ट रेडी किया, ये भी एक एक्टिविटी है। फिर ड्राफ्ट रेडी करने के बाद उसने वेरियस पर्सन के साथ मीटिंग करी, ये भी एक एक्टिविटी है। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद उसने बहुत सारे पर्सन को ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स ऑर्डर प्लेस करना, ये भी एक एक्टिविटी है। फिर ऑर्डर रिसीव किया, ये भी एक एक्टिविटी है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद पेमेंट किया, मतलब एक बिजनेस अपने बिजनेस के लिए वेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। पॉइंट क्लियर। ओके चलिए, यहां तक कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने बात करी एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक पर्सन जिस भी काम में इन्वॉल्व है, जो काम वो कर रहा है वो भी एक एक्टिविटी है। फिर हमने बात करी अकाउंट के वे में कि सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो सारी एक्टिविटी भी ट्रांजेक्शन। ठीक। अब इन ट्रांजेक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते, एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन मॉनेटरी और सेकेंड नॉन मॉनेटरी। ठीक। हम इन पूरे ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट मॉनेटरी, सेकेंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिनकी काउंटिंग, जिन्हें मेजरमेंट मनी में पॉसिबल है, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई पर जिसमें मनी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, उन ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल लेता हूं, बिजनेस के ओनर ने सबसे पहले आत्मे के साथ अपने भगवान के सामने दो अगरबत्ती लगाई, क्या इसे मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं। उसने दिन भर का उसके बिजनेस में क्या क्या वर्किंग होनी है उसका प्लान रेडी करा, क्या ये मनी में मेजर हो सकता है? नहीं। फिर उसके बाद हमने बात करी सर उसने वेरियस पर्सन के साथ मीटिंग करी, उसने अपने एग्जीक्यूटिव्स को एक्सप्लेन करा कि सर आज क्या क्या काम करना है, क्या ये मनी में मेजर हो सकता है? नहीं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिजनेस में वेरियस एक्टिविटीज होती है पर हर बिजनेस की चीज को बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, ये बात कर रहा है मनी मेजरमेंट। तो प्लीज ध्यान से समझना, नॉन मॉनेटरी मतलब जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है, और हमारा ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है सर ऐसे ट्रांजेक्शंस जिन्हें मनी में मेजर करना पॉसिबल नहीं है उन्हें बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। होप सो मेरा पॉइंट क्लियर। सर अकाउंटिंग कर रहे हो, सर अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर रहे हैं तो सर बिजनेस में वेरियस ट्रांजेक्शंस होंगे, किन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज करना है और किसे इग्नोर करना है, आज हम इसी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? इस क्वेश्चन का आंसर देगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बताता है बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते किन ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करें और किन ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें। तो पहला पॉइंट, एक आंसर तो मिला सर, जो ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी है जिनका मनी में मेजरमेंट, मनी में मूल्यांकन, वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। एग्जाम्पल्स लिए वापिस से रिपीट करता हूं, बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले स्टेप करता है
अपने बिजनेस में आने के साथ भगवान को दो अगरबत्ती लगाता है, मनी में काउंटिंग नहीं है, इग्नोर। ड्राफ्टिंग रेडी करी दिन भर में, मुझे क्या क्या काम करने हैं करवाने हैं, मनी में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इग्नोर। अपने एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दिया आज ऐसा ऐसा काम करना है, ये भी एक्टिविटी है पर ये भी बुक में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मतलब एक बात समझ में आ गई सर, बिजनेस का ओनर दिन में जो जो काम करेगा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, उनमें से सिर्फ वो काम रिकॉर्ड होंगे, उन एक्टिविटी उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनिटरी सेंस में है। क्या आंसर परफेक्टली मिल गया? नहीं, अभी भी नहीं। मतलब ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिनका मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है उसे कहा जाता है मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। क्लियर? उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करना है जिनका मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है। होप सो यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ, पर क्या परफेक्ट आंसर मिल गया? नहीं, अभी भी नहीं। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें आपको बुक में पढ़ते टाइम क्लियर नहीं होगी और ना ही बुक में इतना प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन है। ट्रांजेक्शन मॉनिटरी सेंस में है तो क्या वो रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए बिजनेस के ओनर ने ये प्लान रेडी कर लिया था कि आज मुझे बॉम्बे के डीलर को एक ऑर्डर प्लेस करना है। हमने बॉम्बे के डीलर को एक ऑर्डर प्लेस किया कि 1000 केजी गुड्स ऑर्डर, मतलब हमें इस गुड्स की डिलीवरी चाहिए, परचेस करना है, खरीदना है 1000 केजी गुड्स एट द रेट 100 ईच। टोटल मिलाकर वैल्यू बन गई 1 लाख रुपीज। मतलब हमने 1000 केजी गुड्स का ऑर्डर प्लेस करा जिसका टोटल वैल्यूएशन 1 लाख। मॉनेटरी सेंस में मेजरमेंट पॉसिबल है? हाँ। बिजनेस के ओनर ने ऑर्डर प्लेस करा 1 लाख रुपए का, मनी में मेजरमेंट है, फिर भी ये बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज नहीं होता है। सर अभी तो आपने बोला कि मॉनेटरी सेंस के ट्रांजेक्शन, मैंने बेटा क्लियर बोला कि अभी हमें 100% हमारा जवाब नहीं मिला। चलिए तो सर ये बताइए किन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज किया जाता है? उन सारे ट्रांजेक्शंस को बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, जो आपके बिजनेस में राइट और ऑब्लिगेशन, राइट और बीच में और वर्ड या, और दूसरा कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जिसे इग्नोर करना है। अब देखो ध्यान से समझते हैं, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस में जिस ट्रांजेक्शन से, प्लीज वर्ड पे फोकस करना, ऐसे ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो मॉनेटरी में हो और साथ में उस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से बिजनेस का, पॉइंट को नोटिस करना, जिससे बिजनेस का या तो राइट या ऑब्लिगेशन दोनों में से कुछ एक में कुछ चेंजेस आ रहा है, या तो राइट बढ़ रहा है या राइट कम हो रहा है, या ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है या ऑब्लिगेशन कम हो रहा है। अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में सिर्फ मेजर हो रहा है पर वो राइट और ऑब्लिगेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है उन ट्रांजेक्शन को इग्नोर करेंगे। पॉइंट क्लियर? मतलब वो ट्रांजेक्शन इग्नोर हो जाएंगे जो सिर्फ मनी में मेजर हो रहे पर राइट और ऑब्लिगेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे। जो राइट और ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करेंगे उसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने हमारे फ्रेंड से या बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस के लिए जब लोन लिया तो कैश आया, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, 5 लाख का लोन लिया तो इस 5 लाख रुपए से हमारी लाइबिलिटी बनी, फ्यूचर में रिटर्न करना है, ऑब्लिगेशन अफेक्ट हुआ। आज कैश आया हमारे पास, वो हमारे बिजनेस की असेट है। चलिए और आगे बात करते हैं इसके ऊपर, अभी इसको सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस एग्जाम्पल को वापिस से गौर करूंगा। फिर हमने बात करी, हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेस कर लिया, गुड्स हमारे पास आ गया, जो गुड्स आ गया वो अभी हमने क्रेडिट में परचेस करा, ऑब्लिगेशन बना,
मतलब हर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज होंगे जो या तो आपके राइट या आपके ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करे। हमने हमने हमारे किसी पर्सन को क्रेडिट में गुड सेल किया, दैट मीन्स डेटर, जब हमने डेटर को माल बेचा तो उस पार्टी से पैसा कलेक्ट करने का राइट बना, हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जो मनी में हो साथ में राइट और ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करता हो उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि सर जो ऑर्डर प्लेस करा उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे, उसका बहुत शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ। सारी चीजों को डिटेल में किसी और लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही आगे जाके ये ट्रांजेक्शन आएगा ऑर्डर प्लेस्ड। हम लिखते हैं नो अकाउंटिंग रीजन मनी मेजरमेंट, पर रीजन वहां एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अभी बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर इसलिए यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से समझना, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होता है। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होता है, जो बात करता है कि सर अभी ये एक्चुअल में गुड्स ना खरीदा है और ना पार्टी ने बेचा है, मतलब ना राइट और ना ही ऑब्लिगेशन अफेक्ट हुआ है, इसीलिए किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा। साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी यहां पर एप्लीकेबल होता है, ये दोनों ही इस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करने की परमिशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम हमारी बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर इनिशियल स्टेज पर उन एग्जाम्पल को भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। बस बेसिक वे में बात करें सर, मनी मेजरमेंट हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा, सर बिजनेस में वेरियस ट्रांजेक्शन्स होंगे, हमें हर चीज बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें उसे रिकॉर्ड करना है जिसका मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है, और मनी में मेजरमेंट के साथ जो आपके राइट या ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करता हो। जब तक राइट और ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, तब तक उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक एग्जांपल, हमने लोन लिया था, उस लोन का रीपेमेंट कर दिया, 5 लाख का लोन लिया था, 3 लाख रुपए रीपे कर दिए, सर ये रिकॉर्ड होगा? हाँ, 3 लाख मनी में मेजरेबल है, साथ में ऑब्लिगेशन डिक्रीज हो रहा है, ऑब्लिगेशन कम हो रहा है, पहले 5 देना थे, आज 3 दे दिया, बचे सिर्फ वो 2 देना है। पॉइंट क्लियर? ओके, होप सो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बताता है सर बिजनेस में किन ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना है और किसे इग्नोर। चलिए क्लियर। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पर, ड्यूअल एस्पेक्ट। मनी मेजरमेंट ने यह बताया कि किन्हें रिकॉर्ड करना है, पर उसने ये नहीं बताया रिकॉर्ड कैसे करना है। पॉइंट क्लियर? मनी मेजरमेंट ने यह बताया कि किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व करेंगे, पर मनी मेजरमेंट ने यह नहीं बताया कि किस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि सर जिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है उसे कैसे रिकॉर्ड करें, इस क्वेश्चन का आंसर ड्यूअल एस्पेक्ट देता है। चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट पर आते हैं। यह बात करता है सर कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे रिकॉर्ड करना है, जिसे मनी मेजरमेंट ने पास कर दिया, फिल्टर करके बोला कि इसे रिकॉर्ड करो, अब उन्हें अगर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जिसे रिकॉर्ड करना है उसके ड्यूअल इफेक्ट चेक करो, मतलब जो ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज होने वाला है जिसे मनी मेजरमेंट ने बोला कि इसे रिकॉर्ड करो, तो उस ट्रांजेक्शन के जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट ड्यूअल इफेक्ट होते, 2 प्रभाव होते, उनके ड्यूअल इफेक्ट हमें बिजनेस के ऊपर चेक करना है कि हमारे बिजनेस पर इसका क्या ड्यूअल इफेक्ट है। चलिए एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल्स लेता हूं जिससे मनी मेजरमेंट में भी और क्लियरिटी आएगी और ड्यूअल एस्पेक्ट भी और अच्छे से समझ में आएगा। गुड्स परचेस ₹50,000, हमने ₹50,000 का गुड्स खरीदा मिस्टर ए से। अब मिस्टर ए से जब उन्हें 50,000 का गुड्स परचेस किया, हम ये भी मान लेते ये उधारी में खरीदा है, क्रेडिट में, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, क्लियर। चलिए मिस्टर ए से उधारी में माल खरीदा, सर 50,000 पहले आप तो सर ट्रांजेक्शन, हाँ हमने हमारे बिजनेस के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, गुड्स खरीद के लेकर आए, क्लियर। मनी में मेजरेबल है, ट्रांजेक्शन है, मनी में मेजरेबल है, सर क्या राइट ऑब्लिगेशन अफेक्ट हो रहा है? हाँ, गुड्स जब खरीदा तो पार्टी को पे करने का ऑब्लिगेशन बना, क्लियर। चलिए मतलब राइट और ऑब्लिगेशन अफेक्ट होता है,
हाँ मनी मेजरमेंट ने पास कर दिया। अब इसको और बेटर वे में समझते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है, रिकॉर्ड करना है ना तो इसके ड्यूअल इफेक्ट चेक करो। क्या हुआ ड्यूअल इफेक्ट? सर गुड्स आया, मतलब गुड्स के ऊपर राइट बना, वो गुड्स आज से आपका, आप जैसा यूज करना चाहें वैसा यूज कर सकते हो, मतलब राइट भी बना। पॉइंट क्लियर? जब हमने गुड्स खरीदा तो गुड्स आपका हो गया, अब आपने खरीद लिया, जैसा आपको यूज करना है वैसा करो, नहीं बेचना है मत बेचो, रखना है रखो। पॉइंट क्लियर? ओके, तो गुड्स बिजनेस के पास आया, और दूसरा ये जो गुड्स आया इसके बदले में पार्टी को पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशन बना। दो इफेक्ट, पहला गुड्स इन, दूसरा लाइबिलिटी अराइज। क्लियर? राइट भी और ऑब्लिगेशन दोनों यहां पर एक साथ अफेक्ट हो रहे, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और इसके ड्यूअल इफेक्ट है गुड्स इन ऑब्लिगेशन अराइज। एक और एग्जाम्पल लेता, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से लोन लिया, लोन लिया तो इसके ड्यूअल इफेक्ट क्या? पहला इफेक्ट ध्यान से सुनना सर, सबसे पहले लोन लेने का ऑब्जेक्ट क्या था? बिजनेस में पैसे की नीड थी, कैश का शॉर्टेज था, पैसा चाहिए था, हमने लोन लिया तो सबसे पहले बिजनेस के पास कैश आया, कैश इन, अब वो कैश आपका हो गया, राइट बन गया उस कैश के ऊपर आपका। पॉइंट क्लियर? ओके, दूसरा जब लोन लिया है तो क्या वो पैसा हमारा हो गया? नहीं सर, पे करने का ऑब्लिगेशन भी बना कि पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा, प्री पे करना पड़ेगा, उस अमाउंट को चुकाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? मतलब कैश इन ऑब्लिगेशन अराइज। पॉइंट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते, मान लेते जो पहला एग्जांपल लिया था वो उसमें हमने कैश में गुड्स खरीदा, कैश में गुड्स परचेस किया, तो गुड्स इन कैश आउट, मतलब जब गुड्स आएगा तो पैसा देना पड़ेगा, तो बिजनेस का कैश कम हुआ, मतलब राइट कम हुआ उस कैश के ऊपर। पॉइंट क्लियर? बिजनेस के पास से कैश कम हुआ और एक असेट बढ़ गई, मतलब बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हुआ, बिजनेस कैश गुड्स आया। पॉइंट क्लियर? एक राइट कम हो गया कैश के ऊपर, पहले हमारे पास मान लो 50,000 की कैश थी जिसमें से 30,000 का माल खरीदा, तो अब हमने 30 पे कर दिए, कैश कितना बचा? 20, पहले 50,000 के कैश के ऊपर राइट था, अब आपका राइट वो हो गया 20,000। पॉइंट क्लियर? क्योंकि कैश 50 से हो गई 20। दूसरा सर गुड्स आया, पहले गुड्स जीरो था, अब गुड्स 30,000 की वैल्यू का हमारे पास आ गया, जैसा यूज करना है वैसा, मतलब यहां पर राइट पर इंपैक्ट पड़ा, एक राइट इंक्रीज हुआ एक राइट डिक्रीज हुआ। पॉइंट क्लियर? मतलब बिजनेस में जिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इफेक्ट चेक करो, और प्लीज एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहां पर ध्यान रखना बच्चा, जब भी ड्यूअल एस्पेक्ट चेक करता है तो वो एक एस्पेक्ट बिजनेस के लिए सोचता है और दूसरा एस्पेक्ट अपोजिट पार्टी के लिए। नहीं, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? अपोजिट पार्टी की कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस की? हमारे बिजनेस की। जब हम हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ड्यूअल इफेक्ट दोनों प्रभाव हमें बिजनेस के लिए ही, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां तक सारी चीज क्लियर? हमने गुड्स मिस्टर ए को क्रेडिट में सेल किया रहा, ड्यूअल इफेक्ट क्या हुए? सर मिस्टर ए को जो माल बेचा पैसा छोड़ देंगे? नहीं, मिस्टर ए के ऊपर राइट बढ़ा, मिस्टर ए से पैसा लेना है, मतलब मिस्टर ए के ऊपर राइट इंक्रीज हुआ, आज से मिस्टर ए से हम पैसा मांगने का राइट रखते हैं। दूसरा बिजनेस के पास से गुड्स गया, मतलब राइट इंक्रीज, गुड्स आउट। पॉइंट क्लियर? चलिए होप सो यहां तक की सारी चीज क्लियर। मैंने बात करी कि मनी मेजरमेंट ये बोलता है किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ड्यूअल एस्पेक्ट बताता है। ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है एटलीस्ट टू इफेक्ट आपको चेक करना है, एटलीस्ट टू इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट आपको चेक करना है। सर एटलीस्ट वर्ड आया, मतलब दो से ज्यादा भी इंपैक्ट हो सकते हैं? हाँ बेटा हो सकते। एग्जाम्पल लेते, मान लेते हैं हमने मिस्टर ए से गुड्स परचेस किया, क्या कर रहे हैं हमने गुड्स परचेस किया 50,000 का, जिसमें से अपन ने क्या करा मिस्टर ए को 30,000 इमीडिएटली अपन ने पे कर दिया, 50,000 का गुड्स परचेस, 30,000 इमीडिएट पे करें और पार्टी को बोला कि भाई 20,000 रुपए बाद में ले लेना, मतलब ये हो गया क्रेडिट। आई बात समझ में? ऐसा भी तो बहुत बार होता है ना कि हम कोई गुड्स खरीदने गए
या कोई हमसे गुड्स खरीदने आया और उसने बोला कि भैया इतना ही पैसा है, ये रख लो बाकी बाद में दे दूंगा, होता है ना। हाँ, ये वही ट्रांजेक्शन। अब इसमें दो से ज्यादा इफेक्ट है। सबसे पहला, बिजनेस के पास 50,000 का गुड्स इन फर्स्ट इफेक्ट, गुड्स इन 50,000, पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में? मतलब बिजनेस के पास 50,000 का गुड्स आया, 30,000 बिजनेस के पास से गए। दूसरा इफेक्ट, कैश आउट बिजनेस के पास, बिजनेस के ऊपर पहला इंपैक्ट 50 का गुड्स आया, दूसरा इफेक्ट कैश गया 30,000 का, और तीसरा इफेक्ट 50 का गुड्स आया, 30 दे दिए, क्या 20 पार्टी छोड़ेगी? नहीं, देना पड़ेंगे। दैट मीन्स 20 का ऑब्लिगेशन अराइज हो गया 20,000। पॉइंट क्लियर? एक, दो और तीन, यहां पर तीन इफेक्ट हुए, चार भी हो सकते हैं, हाँ पांच भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ट्रांजेक्शन। मतलब हमें जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर कितने इंपैक्ट पड़ रहे, वो सारे इंपैक्ट को चेक करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? चलिए इसे अपन डिटेल में जब अकाउंटिंग की प्रैक्टिस पर आएंगे उस समय डिटेल में और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। पहले कॉन्सेप्ट ने बताया सर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को, उन सारे ट्रांजेक्शन में से सबको रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करना है जो मनी में मेजरेबल हो, साथ में राइट और ऑब्लिगेशन अफेक्ट करे। फिर मनी मेजरमेंट ने ये बोला कि चलो इसको रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड कैसे करें? तो ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है कि भैया उन ट्रांजेक्शन के कम से कम दो प्रभाव होंगे, दो इफेक्ट होंगे, उन दो इफेक्ट को चेक करो। लिखेंगे कैसे? अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। अब आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले के दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, पर तीसरा कॉन्सेप्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये थर्ड कॉन्सेप्ट को ना पढ़ा जाए तो यह अकाउंट में तबाही मचा देगा। क्या मैंने बोला? तबाही मचाएगा, देखते हैं। चलो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो इसके थ्योरेटिकल मीनिंग पर आते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि इसका लॉजिक क्या था इस कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करने का। हम बहुत बेसिक वे में बात करें तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो नेचुरल पर्सन है, बहुत ध्यान से समझना, दो नेचुरल पर्सन। मिस्टर ए ने बी को 50,000 का अमाउंट एडवांस में दिया, मतलब बी ने ए से 50,000 रुपीज बोरो किए। क्लियर? मिस्टर बी ने ए से 50,000 का अमाउंट बोरो किया। ओके, क्या ये ट्रांजेक्शन ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं? मनी मेजरमेंट, हां सर मनी मेजरमेंट एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि मिस्टर ए का राइट बनेगा 50,000 लेने का और मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन बनेगा 50,000 देने का। मतलब ये एक ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजरेबल है और दोनों के राइट या ऑब्लिगेशन अफेक्ट भी कर रहा है। चलिए अब इसे रिकॉर्ड दोनों कैसे करेंगे, तो मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा तो इसके ड्यूअल इफेक्ट चेक करेगा। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपैक्ट ये बना कि सर उसका राइट इंक्रीज हो गया बी पर, और दूसरा इफेक्ट अगर बात करें तो इसके पास से कैश आउट। पॉइंट क्लियर? ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसके ऊपर इंपैक्ट हुआ पहला कैश इन, और दूसरा इंपैक्ट हुआ पहला कैश इन और दूसरा ऑब्लिगेशन इंक्रीज। इसके पास कैश गया, इसके पास कैश आया, इसका पैसा कलेक्ट करने का राइट है तो इसका पे करने का ऑब्लिगेशन है। होप सो दोनों के ड्यूअल इफेक्ट भी चेक कर लिया। ये तो अपन ने बहुत बेसिक वे में बात करी, जब दो नेचुरल पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, अगर दो नेचुरल पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली दोनों के राइट और ऑब्लिगेशन में चेंजेस आएगा। पॉइंट क्लियर? बहुत ध्यान से समझना। अभी थ्योरेटिकल मीनिंग की बात कर रहा हूं,
जिस तरह से दो नेचुरल पर्सन के बीच में अगर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन होने पर उनके राइट और ऑब्लिगेशन में चेंजेस आता है, सिमिलर बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस, पॉइंट को नोटिस करना, अब दो नेचुरल पर्सन नहीं, बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट पर्सन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते क्या है सर, ये कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ एजम्पशंस बोलते हैं कि इन्हें पहले फॉलो करो, अकाउंटिंग में हेल्प मिलेगी। पहले अपन बात कर रहे हैं, ये एक तरह का एजम्पशन है पर लॉजिकल है, समझेंगे उसे। तो ये एक तरह का एजम्पशन है जो बात कर रहा है कि सर बिजनेस का ऑनर और बिजनेस मतलब मैं और मेरी अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी, बिजनेस ऑनर मतलब मैं और बिजनेस मतलब मेरी अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी। हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है जिस तरह से जब दो नेचुरल पर्सन सेपरेट हैं, जिस तरह से दो नेचुरल पर्सन, दो इंडिविजुअल सेपरेट पर्सन है और दोनों के बीच में अगर एक म्यूचुअल ट्रांजेक्शन होता है तो दोनों के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो एक्ट यही बोल रहा है, यहां पर अकाउंट का प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि सर बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट पर्सन है और अगर इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होगा तो जिस तरह से दो नेचुरल पर्सन के बीच में एक ट्रांजेक्शन होने पर उनके राइट ऑब्लिगेशन अफेक्ट होते, सिमिलर बिजनेस ऑनर और बिजनेस के बीच में अगर कोई म्यूचुअल ट्रांजेक्शन होगा तो उसी तरह से उन दोनों को सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, मतलब जब बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में, अगर मान लीजिए मिस्टर ए ये ऑनर ऑफ द बिजनेस है, इसने क्या करा अपने बिजनेस में 50,000 रुपीज इंसर्ट करे, तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास कैश आया, क्योंकि दो सेपरेट पर्सन है, मान रहे हैं कि दो अलग अलग पर्सन है, तो बिजनेस बोलेगा कि मेरे पास कैश आया। और दूसरा पॉइंट, बिजनेस बोलेगा कि मेरी लाइबिलिटी है अपने ऑनर को पैसा रिटर्न करने की, दैट मीन्स ऑब्लिगेशन अराइज हुआ। ये तो बात हुई, सिर्फ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला, बोला सर बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो सेपरेट पर्सन है और जब बिजनेस और ऑनर के बीच में अगर कोई भी लेन देन होगा, कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो उस ट्रांजेक्शन को भी सिमिलर वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसा नेचुरल पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होने पर उनके ऊपर जो राइट और ऑब्लिगेशन अफेक्ट होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके लॉजिकल पॉइंट पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के लॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो समझा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है सर बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो सेपरेट पर्सन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या, तो एक बेसिक लॉजिक है, पहले उसकी बात करते हैं। मैं इस लॉजिक को एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले एग्जाम्पल में कन्वर्ट करता हूं और एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, ठीक। मान लेते हैं दो पर्सन मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पर्सन है, ठीक। मिस्टर ए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और फ्री पर्सन है, मतलब इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है अपनी फैमिली का, मतलब इसकी फैमिली इतनी कैपेबल है कि वो खुद अपने खर्चे देख लेती है, मतलब उनकी फैमिली में बहुत सारे अर्निंग वाले पर्सन्स हैं और फैमिली की अच्छी खासी अर्निंग्स है। इवन एक और चीज नोटिस करने की है कि मिस्टर ए का जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है ना, वो भी उसकी फैमिली बियर करती है। पॉइंट क्लियर, मतलब मिस्टर ए जो बिजनेस करता है, मतलब मिस्टर ए टोटली फ्री पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है और इसके ऊपर ना कोई फैमिली का बर्डन है और ना अपना खुद का बर्डन है, अपना भी खर्चों के लिए जो इसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ फैमिली बियर करती है। पॉइंट क्लियर। सेकेंड आते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर उसकी फैमिली का बर्डन है, मतलब अर्निंग इसकी फैमिली का, अर्निंग का सोर्स मिस्टर बी अकेला है, मतलब अर्निंग पर्सन उसकी फैमिली में मिस्टर बी अकेला है और टोटल फैमिली मिस्टर बी के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉइंट क्लियर, मतलब
मतलब फैमिली डिपेंडेंट है बी पर। होप सो मेरे पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की अगर अपन कैटेगरी की बात करें ना, दोनों का बिजनेस का नेचर सेम। ठीक, जो इसका बिजनेस है और मिस्टर बी का जो बिजनेस है, दोनों का बिजनेस सेम, सेम लोकेशन पर है, सेम इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस में पैसा लगाया है सब कुछ सेम है बेटा इनका। मैं इसलिए सब बोल रहा हूं कि एक एक चीज कवर हो जाए। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो बिजनेस है, दोनों का बिजनेस सेम, दोनों ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगाए, वो सेम। दोनों के बिजनेस का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो बिजनेस का प्रॉफिट भी सेम। मतलब ये भी 15 लाख रुपीस अर्न करता है, ये भी 15 लाख रुपीस अर्न करता है। पॉइंट क्लियर? पर ये जो 15 लाख रुपए कमाता है ना, ये अपने फैमिली खर्चे के ऊपर साल भर में 14 लाख रुपीस खर्च कर देता है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि फैमिली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बी के ऊपर। तो बी अपनी फैमिली को पूरी तरीके से नरिश करने के लिए उनके उनके जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको कौन बियर करता है? मिस्टर बी। तो एट द एंड में मिस्टर बी के पास बचता है सिर्फ 1 लाख रुपए। पर मिस्टर एक ऐसा पर्सन है जो अपने पूरे के पूरे खर्चे भी अपनी फैमिली से कवर करता है। मतलब अपने बिजनेस से जो कमाता है सब कुछ बिजनेस में अपने पास रखे रहता है। मतलब बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहता है, बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। मतलब पूरे 15 लाख। एट द एंड में जब इवैल्यूएट किया जाए तो लग रहा है कि मिस्टर ए के पास 15 लाख का मुनाफा है, प्रॉफिट है, और मिस्टर बी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचे। सॉरी, मिस्टर बी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचे। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि मिस्टर बी का बिजनेस अच्छा नहीं है? मिस्टर बी को बिजनेस करते ही नहीं आता है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, और मिस्टर ए बहुत बेटर वे में बिजनेस चलाता है, ऐसा है क्या? नहीं। होप सो मेरा जो लॉजिक है यहां पर वो यहीं से कवर होगा। इसका मतलब ये था इन दोनों में जो डिफरेंस आया, और डिफरेंस का रीजन ये था कि सर ये जो 15 लाख है बिजनेस का पैसा बिजनेस में है, बिजनेस से बाहर नहीं गया। हमने बाहर के कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ने इसको अफेक्ट नहीं किया, पर इसने जो कमाया उसने भी 15 कमाए, पर एक्सटर्नल फोर्सेस ने इसे अफेक्ट किया और इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए बचे। चलिए अब इसी पॉइंट को हम हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं। बिजनेस और ऑनर, जैसे मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मिस्टर बी बिजनेस मतलब अर्निंग का सोर्स, मिस्टर बी का क्या? सर बिजनेस। और मिस्टर यहां पर मिस्टर बी को अपन रखते 2 मिनट के लिए, और मिस्टर बी के पास अर्निंग का सोर्स बिजनेस, पर एक्सपेंसेस पर्सनल भी बहुत सारे। अगर इन दोनों को मिक्सअप कर दे, जैसे यहां पर अपन इसको मिक्स कर दिया तो लास्ट में 1 लाख रुपए बचे, तो इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर बी ने सही तरीके से प्रॉफिट नहीं कमाया। पर क्या एक्चुअलिटी यह है? नहीं। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं, प्लीज हम फोकस करना, हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि बिजनेस का इवैल्यूएशन कर सके, बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक कर सके कि बिजनेस एग्जैक्टली क्या अर्न करता है। और बिजनेस का अगर परफॉर्मेंस चेक करना है तो सिर्फ बिजनेस का डेटा बिजनेस में होना चाहिए, कोई अदर एक्सटर्नल फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बिजनेस अपने आप को करेक्टली मेजर नहीं कर पाएगा, और बिजनेस के परफॉर्मेंस को अगर करेक्टली मेजर करना है तो सिर्फ बिजनेस के इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस ही आना चाहिए। पॉइंट क्लियर? चलिए, होप सो पहला पॉइंट क्लियर कि सर बिजनेस और बिजनेस के ओनर को सेपरेट करने का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि सर अगर बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो बिजनेस के ही इनकम और बिजनेस के ही खर्चे। अब एक और पॉइंट को ध्यान से समझना, हमने मनी मेजरमेंट के टाइम पर भी बात करी और ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ रहे थे उस समय भी डिस्कशन किया कि जब भी बात करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना ओनर ना अदर पार्टी। होप सो उस पॉइंट का भी आंसर आपको मिल गया। मैंने बोला था आगे बढ़ेंगे उस समय इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। होप सो इन दोनों में जो अपन बात कर रहे थे कि सर जब भी ट्रांजेक्शन देखेंगे तो बिजनेस का देखेंगे, रीजन क्योंकि बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है।
ड्यूअल एस्पेक्ट चेक करेंगे तो बिजनेस के, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की करना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना है इसीलिए, और बिजनेस एंटिटी भी बात करता है कि अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की होगी, ऑनर के सारे खर्चे, ऑनर का पर्सनल जो भी होगा वो ऑनर देखेगा, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं मेरी अकाउंटिंग करूंगा, ऑनर एक सेपरेट पर्सन है। होप सो एक बेसिक लॉजिक क्लियर। चलिए अब हम आते हैं सेकंड लॉजिक पर बिजनेस एंटिटी के। जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ना पढ़े तो अकाउंट में तबाही मच जाएगी। अरे भैया ये तबाही जो वर्ड मैंने यूज किया इसका मीनिंग क्या है? चलिए जो सेकंड लॉजिक है वो इसी तबाही की बात करेगा। अब आपसे एक छोटी सी पहले रिक्वेस्ट है कि ये जो सेकंड लॉजिक जो आपको बता रहा हूं उसके पहले जो हमने ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ा ना बेटा, इसको माइंड में दो मिनट के लिए भूल जाओ। जब तक मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तक ये माइंड में मत रखना कि ड्यूअल एस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, ठीक। अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस का ऑनर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं पढ़ते, मान लो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नाम की चीज अकाउंट में नहीं होती, तो बिजनेस और बिजनेस का ऑनर तो एक ही है, मेरा ही बिजनेस है, मैं ही हूं। पहले कुछ पैसे मेरे घर पे रखे थे, उसके ऊपर भी कंट्रोल मेरा कि खर्च कैसे करना है, वही खर्च करूंगा, मेरी विल से खर्च करूंगा। और जब उन पैसे को अपने बिजनेस में लेकर आया तो भी मेरा ही कंट्रोल है, मैं ही खर्च करूंगा। एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में, एक जेब से दूसरे जेब में पैसा ट्रांसफर करने से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। होप सो आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो। अब दो मिनट के लिए समझा बताना, जब बिजनेस के ऑनर ने अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा, पॉइंट, ऑनर ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा, इसके ड्यूअल इफेक्ट चेक करो, क्या पैसा आया और पैसा गया? ना पैसा आया ना पैसा गया। मतलब ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, अगर एंटिटी कॉन्सेप्ट को ना पढ़े तो ये पूरे अकाउंट में तबाही मचा देगा। मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा तो अकाउंटिंग करने का जो लॉजिक है ना, जितनी हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इस एबीसीडी को पढ़ने के पीछे कोई सेंस नहीं रहेगा। अकाउंटिंग तब परफेक्ट होगी जब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक में रिकॉग्नाइज किया जाए। सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बच्चा ये भी क्लास में पूछता है, मैं इसका भी आंसर देता हूं। अभी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा तो बिजनेस के पास 5 लाख रुपीज आ गए, ठीक। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए, ठीक। अब मान लीजिए कि बिजनेस ने 10 लाख रुपए, सॉरी इन 5 लाख रुपए से गुड्स परचेस कर लिया, गुड्स परचेस करेंगे तो ड्यूअल इफेक्ट क्या हो गए? ड्यूअल इफेक्ट क्या हो गए? सर गुड्स इन और कैश आउट। बिजनेस में जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या कभी नेगेटिव कैश हो सकती है? क्या कभी नेगेटिव कैश हो सकती है? कैश या तो है या तो जेब में पैसा नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है? उधारी नेगेटिव कैश नहीं होता है, पॉइंट को समझना। या तो जेब में पैसा है या तो जीरो, पर ये माइनस में नहीं हो सकता है। और अगर हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, जो मैंने बात करी कि दो मिनट के लिए अगर हम भूल जाए ड्यूअल एस्पेक्ट नाम की चीज, तो जब बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा तो इसकी अकाउंटिंग ही नहीं हो सकती है, इसकी अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। और जब बिजनेस में कैश नहीं है तो बिजनेस पैसा कैसे खर्च कर रहा है? होप सो आप मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट को अगर कंप्लीटली फॉलो करना है तो बिजनेस एंटिटी को पढ़ना पड़ेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर को अगर परफेक्टली रिकॉर्ड करना है तो बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑनर एंड बिजनेस के म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को हम कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई एस्पेक्ट बिजनेस में रिकॉर्ड होने से रह जाएगा तो अकाउंटिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। जो अकाउंटिंग के रिजल्ट है, जो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्ट है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। होप सो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर। एक लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक जिनको इस वीडियो की नीड है उन तक शेयर करो।
और लास्ट में एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि आपका आपके जो कमेंट होते हैं, आपका जो सपोर्ट होता है, ये हमें मोटिवेट करता है इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।